ओम शांति। कैसी चल रही है गति सबकी? आज से हम एक बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, उस पे ही चर्चा। फरिश्ता स्वरूप, जिसके द्वारा हमें बहुत सेवा भी करनी है, तो हमें अपने फरिश्ते स्वरूप को और जल्दी जल्दी लाना है। क्या क्या करेंगे और उसके लिए आज दो धारणाओं पर हम चर्चा करेंगे। एक धारणा है जो संडे की मुरली से है, बहुत हल्के, कोई बोझ नहीं। और दूसरी धारणा है संपूर्ण प्योरिटी। प्योरिटी पर हम कुछ बार चर्चा करते रहेंगे, उसकी एक एक दो दो बातें लेंगे। सबसे पहला काम हम सबको करना है कि अपने सामने कुछ दूरी पर अपने फरिश्ते स्वरूप को खड़ा देखना है। ये हूं मैं। अभी देखो कुछ क्षणों के लिए, मेरा ही स्वरूप सामने, लाइट का बॉडी, अंग अंग से प्रकाश फैल रहा है, बहुत डिवाइन। संसार के आकर्षणों से दूर उड़कर कहीं भी जाने में सक्षम, ये हमारा स्वरूप है, ये हम हैं। हमें इसी स्थिति को, संपूर्ण इसी स्थिति को प्राप्त करना है। ये गुड फीलिंग अपने को देना है, ये हमारा ही स्वरूप है। ब्रह्मा बाबा के बारे में आप सबने सुना है, बाबा को जैसे भविष्य का अपना स्वरूप सामने दिखता था, वैसे ही अपना फरिश्ता स्वरूप भी। और अब बाबा के शब्दों में ऐसा अनुभव करना, दूसरी प्रैक्टिस, ऐसा अनुभव करना है कि हमारी ये दोनों ड्रेस सामने टंगी हैं, फरिश्ते की ड्रेस, देवता की ड्रेस। एक बार मैं आत्मा इस देह से निकलकर फरिश्ते की ड्रेस में, दूसरी बार देव स्वरूप में, ड्रेस माना शरीर। ये बहुत अच्छी फीलिंग, तीनों शरीरों में विचरण करना, इसकी प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे। फरिश्ता माना डबल लाइट, तीसरी प्रैक्टिस, जो हमारे सकाश देने के स्वरूप से हम जोड़ेंगे। मैं फरिश्ता इस देह से निकलकर उड़कर कहीं जाता हूं, उत्तराखंड के ऊपर, वहां सकाश देकर वापिस इसमें प्रवेश कर लेता हूं। ये ड्रिल हमें देह भान से न्यारा होने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। फिर इस देह से निकलकर मैं फरिश्ता कहीं और जगह जाता हूं, सकाश देता हूं, कभी हाथ से ऐसे, कभी मस्तक से, और फिर वापिस आकर इसमें प्रवेश कर लेता हूं। ये प्रैक्टिस सभी करेंगे, तीनों ड्रिल, ठीक है? पसंद है? पसंद सभी को? अब है कि हमें बहुत हल्का होना है, हल्का। पांच बातें निकालेंगे, आप सब चिंतन करेंगे। बहुत हल्का होना है, कोई भी बोझ नहीं। बोझ किस तरह के होते हैं वो पांच निकाल लें जरा। पहला बोझ किसी के ऊपर होता है जिम्मेदारी का, बोझ रहता है, मन पर एक सूक्ष्म दबाव रहता है,
जो आत्मा को उड़ने नहीं देता। बाबा की मुरली थी ना संडे की, ये बोझ रहता है तो हम योग युक्त नहीं हो पाते हैं। शारीरिक व्याधियां भी एक बोझ बनकर रहती हैं। आजकल ये बहुत चलता आ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। तीसरा बोझ मुझे याद आ गया, अभी मैं नीचे उतर रहा था तो फोन आने लगा ऊपर ही, है व्यर्थ संकल्पों का बोझ। क्या फोन आने लगा, एक माता बात कर रही मुंबई से, मेरा सब कुछ बिगड़ गया है, पता नहीं क्या हो रहा है, बाबा मेरे से क्यों नाराज है, मैं जितना पुरुषार्थ करती हूँ बाबा मुझे उतनी सजा देता है। अब ये बाबा से नाराज थी कि बाबा मेरे से नाराज है। मैंने कहा बाबा किसी से नाराज नहीं होता है, बाबा को बोला अपने बच्चों से नाराज होकर क्या लेना, वो तो बहुत प्रसन्न रहता है और हम सबको शक्तियां देता है हम लाइट हो जाएं। तो परिस्थितियों का दबाव, ये बोझ भी बहुत भारी है, सबसे भारी। काज जो करते हो वहीं फेल, परिवार में काम धंधा करते हैं सब फेल, का बिल्कुल कर्ज के नीचे आ गए हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या। ऐसे अनुभवों में आप सब भी जानते हैं, मैं एक चीज लोगों को सिखाता हूं आप भी सिखाया करें, 21 दिन की विघ्न विनाशक भट्टी, एक घंटा रोज योग, बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट इस भट्टी के हैं। मैं जिनको बताता हूं, मुझे बहुत कम ऐसे समाचार मिलते हैं कि हमारी समस्या नहीं खत्म हुई, नहीं तो ये गुड न्यूज हमेशा मिलता है, हमारा सब कुछ ठीक हो गया। एक कन्या का आज का ही अनुभव बहुत अच्छा, आज मुझे फोन आया उसका सवेरे, वो बीटेक कर रही थी, अभी तो पूरा हुआ है तो अभी ये एग्जाम हुए होंगे ना अभी लास्ट सेमेस्टर के, तो मुझे कहा कि पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, फादर की जॉब छूट गई है, घर में एकदम सब प्रॉब्लम हो गई है। तो उसको ऐसे ही कुछ प्रैक्टिस सिखाई, तो आज फोन था, चमत्कार हुआ, फर्स्ट ग्रेड मुझे मिला है। कहा मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, ये कभी सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा हो जाएगा, और फादर को जॉब मिल गई। 21 दिन के ऐसे योग के प्रोग्राम से विघ्न विनाशक भट्टी, किसी पर भी ऐसा आ जाए कोई, क्योंकि अब विकर्मों का खेल समाप्त होने को है ना, तो सारे विकर्म फुल फोर्स से अटैक कर रहे हैं, तो सारा संसार जैसे विघ्नों में फंसता जाएगा तेजी से, तो ये विघ्न विनाशक भट्टी हमें बहुत मदद करेगी। और बाकी सभी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, इसकी प्रैक्टिस करते रहें। और जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं, रोज सवेरे बाबा से 3 वरदान लिया करें, याद हैं कौन कौन से? पहला विजयी भव, दूसरा विघ्न विनाशक निर्विघ्न भव, और तीसरा सफलता मूर्त भव। बहुत सुंदर अनुभूति रहेंगी, और रोज सवेरे सवेरे अपना प्रभु मिलन भी बहुत आनंदकारी हो जाएगा, इस बात को कोई भी मिस नहीं करेंगे। तो हमें बहुत हल्का होना है, जिम्मेदारियों का बोझ है, तो क्या करेंगे? बाबा को समर्पित। कल का एक छोटा सा अनुभव सुनाऊं, मेरी हमारे मेहमान आए हुए थे, गाड़ी मैंने ऊपर भेज दी, मुझे ट्रांसपोर्ट की गाड़ी से जाना था, मैं लेने गया वो आ नहीं रहे थे, मैंने कहा भाई गाड़ी भेज दो। एक माता परेशान हुए घूम रही, मेरा बैग गुम हो गया, अब रोड स्टेशन से वापस भेजा उसको कि जाओ वहीं कहीं पड़ा होगा देख कर आओ। 3 घंटे थे उसके पास, 2.5 घंटे से वो घूम रही थी खूब परेशान परेशान, मेरे पास बैठी, बैग खो गया है, सारी बाबा की 2500 गाते भी उसमें ही थी जो मिली थी अभी, तो इसलिए परेशान थी कि वो बाबा की 100 गाते उसमें थी। मैंने उसको कहा तुम परेशान क्यों हो रही हो,
बाबा को सौंपो ना ये समस्या, बैठो यहाँ, याद करो बाबा को और बाबा को समस्या सौंपो। अब उसे बैठा तो नहीं जा रहा था, दो मिनट बैठी, उठ के चल दी। जैसे ही बाहर को चली तो फिर भागी आई, भाई जी अब रोड से मेरे भाई का फोन आ गया, बैग मिल गया है। मैंने उसे कहा तुम अपनी जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधे पे लेके परेशान हो रही थी, बाबा को जरा सा समर्पित किया, ठीक से किया भी नहीं क्योंकि मन ज्यादा परेशान था, थोड़ा सा ही, मेरे दो मिनट बैठी होगी मुश्किल। मैंने कहा अभी करो समर्पित और इतने में काम हो गया, सीख लो जीवन में समस्याओं के बोझ से खुद परेशान नहीं होना है। बाबा बैठा है ना, वो ऐसे ही लिख दिया गया, झूठ मूठ बाबा बैठा है, सचमुच वो हमारे साथ है और हमें बहुत सहयोग दे रहा है। जिम्मेदारियों के बोझ को थोड़ा हल्का करेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी उतनी भारी होती नहीं, हम भारी होकर उन्हें भारी कर देते हैं। जिम्मेदारी उसी के पास है ना जो उन्हें पूर्ण कर सकता है। सहज भाव से कर्म करना, हर कर्म का आनंद लेना, बिल्कुल हल्के होकर जिम्मेदारियों को सभी पूर्ण करेंगे। बहुत जिम्मेदार बैठे हैं मुझे दिख रहा है, यहाँ कंस्ट्रक्शन वाले भी हैं और अलग अलग जिम्मेदारी वाले भाई बैठे हैं। हल्के रह के जिम्मेदारियों को पूरा करें, बहुत काम है, बहुत काम है, इससे अपने मन को भारी करके बिल्कुल नीचे न रहें। बाबा भी हमारा मददगार है, बल्कि हमें ये नशा रखना चाहिए, हजार भुजाओं सहित बाबा हमें मदद कर रहा है। ये जितना जितना हम इसको अपनी गुड फीलिंग में लाएंगे, बाबा की मदद महसूस होती रहेगी। लाएं सभी इसको गुड फीलिंग में, बाबा हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है। ये सोचने से क्या होता है, इसके अनुभव बढ़ाने हैं कि भारी काम कैसे सरल होते हैं। बिल्कुल जहां दिख रहा है कि कुछ नहीं होगा, वो सब कैसे पूर्ण हो जाता है। समस्याओं में, बीमारियों में, क्या बीमारियों में, मैं आत्मा इस देह की मालिक हूं, इससे अलग हूं। अगर ये प्रैक्टिस हम बहुत करते रहें तो क्या फायदा होगा, बीमारियों की पीड़ा अनुभव होगी ही नहीं। ये सब बहुत अच्छा अनुभव करें, क्योंकि बीमारियां भी आगे बढ़ सकती हैं, बढ़ सकती हैं नहीं, बढ़ेंगी ही, महामारी का रूप ले लेंगी कई चीजें। लेकिन अगर हमारी ये प्रैक्टिस होगी तो हमें सब कुछ ठीक मिलता रहेगा, दवाइयां मिल जाएंगी टाइम पे, जो भोजन चाहिए वो मिल जाएगा, और अगर स्थिति नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखना है सभी को, ये स्लोगन बिल्कुल पक्का कर दें, पक्का नहीं केवल इसको जीवन बना दें, स्थिति श्रेष्ठ होगी तो सब कुछ सहज प्राप्त होगा। प्राप्त परिस्थिति तो रहेंगी नहीं, लेकिन सब कुछ सहज प्राप्त होगा। सभी माताएं भी इस बात पे बहुत ध्यान दें, अपने घरों की सभी समस्याओं को समाप्त करना है, एक ही तरीका बचता है, श्रेष्ठ स्थिति, उसके अलावा कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऐसा समय आ रहा है। परिस्थितियों के बोझ में विघ्न विनाशक भट्टी और अपने को संभाल के रखना, एक चीज की चर्चा जो हम हमेशा करते आए हैं उसको बिल्कुल नेचुरल रूप दे दें सभी अपने जीवन में, आगे चलकर तो और ज्यादा हमें बहुत चीजों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, नो क्वेश्चन। ये धारणा अभी से
बहुत पक्की करते चलें। बाकी हल्का रहने के लिए चाहिए ज्ञान का बहुत अच्छा बल। जो ज्ञान को भूले रहते हैं वो बहुत भारी होते हैं। छोटी सी बात किसी ने कह दी, भारी हो गए। देखो कुछ भी नहीं है, जीवन अच्छा चल रहा है, किसी ने कुछ छोटी सी बात कह दी, मन भारी कर लिया। तो आदत भी बनानी है हर बात को हल्का लेने की। जिसको बाबा कहते हैं खुशी न जाए, कुछ भी जाए खुशी न जाए, बहुत हल्कापन। इसके लिए चाहिए ज्ञान की स्मृति। इसलिए मैं फिर वो बात रिपीट करता हूँ, सभी अपने पास ये काम जिन्होंने नहीं किया हुआ है वो अब कर लेंगे। कम से कम 16 सुंदर पॉइंट्स लिखेंगे जो हमारी स्थिति को सुंदर बनाए, अचल अड़ोल बनाए, हल्का बनाए, व्यर्थ से बचाए, एकदम नशे में रखे। उसमें कुछ बातें नशे की हों, कुछ बाबा के साथ देने वाली, कुछ गुह्य रहस्य हों। हर एक के लिए वो बातें अलग अलग हो सकती हैं। जैसे मुझे बाबा की एक बात बहुत प्रिय लगती है, मैंने अपनी डायरी में आजकल वो पहले पेज पे लिखी हुई है, ताकि रोज जब मैं मुरली लिखने के लिए उसे खोलूं तो पहले उसको पढ़ता हूं। और वो है, जो बच्चे बाबा को बहुत याद करते हैं वो तो सम्मुख रहते हैं। बहुत अच्छी सुखी सुखद बात है ना, एकदम सुखी कर देती है। हम बाबा को बहुत याद करते हैं तो जैसे बाबा के सामने रहते हैं। ऊपर से बाबा ने कहा मैं उनके साथ रहता हूँ वो तो अलग बात है, बाबा ने कहा वतन में वो तो मेरे सम्मुख रहते हैं। तो ये बातें आत्मा को बहुत सुख देती हैं, रिलैक्स करती हैं, आनंद की फीलिंग में ले जाती हैं। मैं आप सभी का एक बात पर और ध्यान दिलाऊं, सभी करते होंगे, मैं पूछ भी लेता हूं, बहुत सुंदर हमारी प्रैक्टिस है 5 स्वरूपों की। किस किस की चालू है? बहुत अच्छा, बहुत सब भाई बहने कर रहे हैं, इसको बढ़ाते रहेंगे, इसमें फरिश्ता भी आ जाता है। ये हमारे संस्कारों को बदलने के लिए सबसे सुंदर विधि है, मन की एकाग्रता को बढ़ाने की विधि है, व्यर्थ को समाप्त करने की विधि है, योग बिल्कुल सरल हो जाए उसका सर्वोत्तम साधन है 5 स्वरूपों का अभ्यास। जिसको योग में कठिनाई होती है, मन बहुत भटकता है, वो 5 स्वरूपों के अभ्यास पर ध्यान दें, 5 बार सवेरे, 5 बार शाम को, रात को कभी भी। अगर सोने से पहले 1-2 बार कर लिया जाए तो अमृत वेले पर इसकी गहरी छाप होगी, मन आनंदित हो जाएगा। फरिश्ता माना संपूर्ण पवित्र। आज पवित्रता के बारे में हम 2 बातें सामने रखेंगे, कहीं लगाव नहीं। ये लगाव मन को बहुत भटकाता है। आजकल फोन पर मेरे से कुमार और कुमारियां बहुत खुल के बात कर लेते हैं, मैं पूछता नहीं तुम्हारा नाम धाम, तो खुल के बात करते हैं। मैं देखता हूं कई कितने परेशान होते हैं इस लगाव से, छूटना चाहते हैं छूट नहीं पाते हैं, योग करना चाहते हैं, बाबा से प्यार करना चाहते हैं, करना नहीं चाहते। ये कलयुग के अंत का इफेक्ट हो रहा है युवकों पर, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर की धारा तेजी से भारत में आ गई है, जिसको भारतीय कल्चर स्वीकार नहीं करती, इसलिए माँ बाप ज्यादा दुखी हैं। मैं तो एक चीज देख रहा हूं और बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, 3-4 साल में भारत के अनेक माता पिता साइकेट्रिक पेशेंट बन जाएंगे अपने इन बच्चों के कारण, और अगले 2-3 साल में ये बच्चे बन जाएंगे, क्योंकि उनका प्यार सफल नहीं होगा। स्वार्थ है ना आजकल प्यार में, बहुत स्वार्थ है। वो अपनापन और सच्चा प्यार थोड़ा ही है, कोई किसी से प्यार भी करे और वो सच्चा हो तो भी माना जाए, सब स्वार्थ है।
इसलिए इससे बचेंगे सभी जिनको योग का आनंद लेना है, भगवान के काम आना है, बचें इससे। दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जानने योग्य है ज्ञान की दृष्टि से, जो सबको जाननी चाहिए, जिसको हमारी एलोपैथी मेडिकल साइंस नहीं मानती पर आयुर्वेद में जिसकी गहरी चर्चा है, ऋषियों के द्वारा ये सिद्धांत समाज को, युवकों को दिया गया, और वो ये है कि भोजन से हमारे शरीर में जो शक्ति बनती है, पवित्रता की शक्ति, आप सब जानते होंगे खून के बाद वो शक्तियां बनती हैं। अब शक्ति बनती रहेगी तो बढ़ती जाएगी ना, इसको यूज करना जरूरी है। अगर हम इसको यूज नहीं करते तो ये शक्ति हमारे संपूर्ण सिस्टम पर दबाव डालकर इस पर बुरा असर डालती है और अनेक तरह की इम्प्योरिटीज को जन्म देती है। तीन तरीके हैं इस शक्ति के रूपांतरण के, इस शक्ति को यूज करने के तीन तरीके हैं। सभी को ये जानना चाहिए, कोई कुमार कुमारी है, माताएं हैं, अदर कुमार हैं, ये सिद्धांत सबके लिए समान है। शक्तियां सबके देह में बनती हैं, इसको ऊर्ध्वगामी करना है। देखिए ये हमारे भारतीय योग दर्शन की बहुत बड़ी पद्धति रही है। शरीर में 7 चक्र हैं और ये शक्ति 7ों से पार होते होते ऊपर जाएगी अंतिम चक्र में, वहां से ब्रेन को सप्लाई होगी। लेकिन इसको ऊर्ध्वगामी करने के लिए हमारे पास ही सर्वोत्तम साधन है, कौन सा? योग अभ्यास। जैसे ही हमने बुद्धि ऊपर बाबा से जोड़ी या आत्मा पर एकाग्र की, ये शक्ति ऊर्ध्वगामी होने लगी, एक चक्र से दूसरे में जाएगी। देखो क्या होता है, आप सबको मालूम हो, तो पहला दूसरा चक्र जो है इसके कुछ हिस्से को अपने में समा लेगा, बची हुई तीसरे में जाएगी, कुछ उसमें समा जाएगी, चौथे में जाएगी, उसमें समाएगी, और अंत तक जाते जाते 7वें तक ये बिल्कुल सूक्ष्म रूप ले लेगी। इसको कहते हैं तेज। उस शक्ति का स्थूल रूप सूक्ष्म रूप में बदल गया, इसको ही कहते हैं ऊर्ध्वगामी होने से स्थूल शक्ति सूक्ष्म शक्ति में बदल गई, फिजिकल पावर स्पिरिचुअल पावर में बदल गई, और यहां से ब्रेन से 7वें ब्रह्मरंध्र जिसे कहते हैं उससे ब्रेन को जाएगी, ब्रेन को डिवाइन करेगी, डिविनाइज कर देगी, एक तरीका। इसलिए जो लोग योग अभ्यास अच्छा नहीं करते उनकी ये शक्ति उनको कष्ट देती है। योग से ही प्योरिटी का सच्चा आनंद प्राप्त किया जाएगा, क्योंकि योग बल से ये शक्तियां ऊर्ध्वगामी होकर स्पिरिचुअल पावर में बदल जाएंगी। न स्वप्नों की समस्या रहेगी, न व्यर्थ संकल्पों की, न देह के आकर्षण की। ये बहुत सूक्ष्म गति है, जिसके शरीर में वो शक्ति ज्यादा इकट्ठी हो जाती है उनके शरीरों में आकर्षण रहता है, वासनाओं की फीलिंग रहती है, इसको योग बल से ऊर्ध्वगामी करना है। क्लियर है सभी को? दूसरी चीज, ज्ञान चिंतन में ये शक्ति यूज होती है। मोटा उदाहरण दूं, सभी जानते हैं किसी व्यक्ति को अगर चिंता लग जाए तो सूखने लगता है ना, पतला हो जाता है, क्योंकि चिंता में, चिंता भी तो एक चिंतन है ना, उसमें ये शक्तियां तेजी से यूज होने लगती है। एक हंसी का उदाहरण दूं, एक डॉक्टर के पास एक मोटी माता गई, मुझे पतला होना है। उसने सब कुछ उसका देखा, कहा मैं ज्योतिषी भी हूँ, हाथ वात देखा, और कहा रे तुम क्यों वेट लॉस करने के चक्कर में हो, 40 दिन का तुम्हारा जीवन है, 40 दिन में तुम मर ही जाओगी, छोड़ो। अब वो वेट वेट की तो बात भूल गई, उसको 40 दिन में मरना है, ये चिंता लग गई। चिंता लग गई तो सूखने लगी, वेट 20 किलो कम हो गया, 40 दिन पूरे हो गए, 41वां दिन उसको बड़ा गुस्सा आया, मैं तो मरी नहीं। डॉक्टर के पास पहुंची, डॉक्टर साहब आपने मुझे धोखा दिया, देखा मैं, मेरी कहां मृत्यु हुई, आपने मुझे परेशान कर दिया, कहीं मरी तो नहीं पर पतली तो हो गई, यही तो तुम्हारा लक्ष्य था, सुखी रहो, जाओ, दवाई की जरूरत नहीं। तो चिंता शक्तियों को खाती है ना, चिंतन में वो यूज हो जाती है। इसलिए मुरली सुनना
उसकी कुछ बातों को याद रखना, उसको अपने चिंतन में रखना, इससे वो शक्तियां यूज होती रहेंगी और हमें आनंद प्रदान करती रहेंगी। जिससे ये दोनों चीज न हो, वो तीसरी विधि अपनाएं, हार्ड वर्क, मेहनत। ब्रह्मचर्य के पालन करने वाले अगर सुस्त महादेव हैं तो क्या होगा, भारी हो जाएगा उनके लिए सब कुछ। इसलिए चुस्त, बहुत एक्टिव, बहुत कार्य करने वाला। माताएं अपने घरों का सारा काम खुद कर जाओ, कन्याएं बहुत काम करें, इससे वो शक्तियां यूज होती रहेंगी और हमारी पवित्रता बहुत सूक्ष्म रूप लेती जाएगी। इस पर सभी ध्यान देंगे तो हमें दिनों दिन पवित्रता का बल बढ़ाते चलना है। सबको याद रखना है, हमारी पवित्रता की प्रकृति को सबसे ज्यादा जरूरत है। आजकल तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जो लोग कहते हैं ना विनाश नहीं होगा, सिंपल बात आप सबके याद में रहे, जहां पानी भी पीने लायक नहीं रहा। पिछले 10 सालों में पानी की दुर्गति कितनी हुई है, जहां हवा भी दूषित हो गई। दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है ना मनुष्य जीवन के लिए, जहां अन्न कैसा हो गया, खा रहे तो बीमार कर रहा है। तीन चीज जो मनुष्य के जीवन के लिए परम आवश्यक हैं, पिछले 10 सालों में कितनी विकृत हो गई, अगले 10 सालों में इनका हाल क्या होगा। ये स्वतः ही विनाश को निमंत्रित कर लिया है सबने। इसलिए ये प्रकृति हमारी पवित्रता से पावन बनेगी। विज्ञान के पास इसका कोई समाधान नहीं है, संसार के पॉलिटिशियंस के पास इसका कोई समाधान नहीं है। समाधान अगर है तो केवल प्योर वाइब्रेशंस, जो सूक्ष्म रूप से काम करेंगे तो हम प्रकृति के मालिक भी हैं, इसको वाइब्रेशंस देने वाले भी हैं। सभी अपनी प्योरिटी को बढ़ाते चलेंगे तो फरिश्ते स्वरूप का सभी बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। पसंद है ना, स्वमान भी सब इनमें आ गए। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, 4 स्वमान पवित्रता के बारे में हैं, जिनकी सब प्रैक्टिस करते रहें। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, तो अनुभव होता रहेगा, प्योरिटी बढ़ेगी, समस्याएं हटेंगी, मन शीतल होता जाएगा। सभी इस बात पे बहुत ध्यान देंगे। मैं आप सबको पहले भी सुनाया है, लास्ट बात ये फिर रिपीट कर देता हूँ, हमारे नैनों से निकले हुए प्योर वाइब्रेशंस अनेक मनुष्यों को रोग मुक्त करेंगे। सेवा अर्थ भी हमें अपनी प्योरिटी की शक्ति को बहुत बढ़ाना है। इसलिए भगवान को हमने वचन दे दिया है, ये बात हमें दृढ़ करती है, हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब हमें जिस मार्ग पर हम चल चुके हैं उसे परफेक्ट बनाना है। अब कलयुग का मार्ग हमारा मार्ग नहीं है। अब जो बाबा के मार्ग से हटके कलयुग के मार्ग पर जाएंगे वो तो बहुत पछताएंगे। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, बाहर, क्योंकि बाहर भी कलयुग का आकर्षण बढ़ता जाएगा, बढ़ता जा रहा है। जो उस आकर्षण में बह कर चले गए वो तो चारों युग पछताएंगे। मैं तो ये कहता हूँ सतयुग में पछताएंगे, गुड फीलिंग नहीं रहेगी उन्हें। सभी अपने को बहुत मजबूत करेंगे और पवित्रता की जो हमने ड्रिल रखी 3-4, उसका बहुत अच्छा अभ्यास सभी करेंगे। ओम शांति।
पर सदा हमारे वरदानी हाथ तुम्हारे मस्तक पर सदा हमारे प्रभु किरणों की कृपा छाओ में जीवन के सुख तारे ओ बाबा प्यारे प्यारे ओ बाबा प्यारे प्यारे ओ बाबा प्यारे प्यारे ओ बाबा प्यारे प्यारे वरदानी हाथ तुम्हारे के